मार्वल्स का बड़ा प्यारा सा और क्यूट सा कैरेक्टर ग्रूट गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में दिखा था और उसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी दिखा। पर मार्वल के कई फैंस रो पड़े थे तब जब ग्रूट भी कई सुपर हीरोज के साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मरता हुआ दिखता है। पर मरते मरते ग्रूट ने क्या कहा था? हालांकि उसने आई एम ग्रूट कहा था, लेकिन उसके हर आई एम ग्रूट का कोई ना कोई मतलब होता है जिसे केवल रॉकेट समझता है। तो आखिर मरते हुए ग्रूट ने क्या कहा, ये जानिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। अब आप कहेंगे कि मरते हुए ग्रूट ने यही तो कहा था, आई एम ग्रूट। दरअसल ग्रूट जितनी बार भी आई एम ग्रूट बोलता है उसका कोई ना कोई मतलब होता है, यानी कि उसकी तरफ से वो कोई बात बोलता है, उस सेंटेंस का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है जिसे रॉकेट ही समझ पाता है। पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब आखिरी में कई सुपर हीरोज के साथ ग्रूट भी मरता है, तब उसने मरते हुए जो आई एम ग्रूट कहा था उसमें क्या था, उसमें कौन सा राज छिपा था, क्या मतलब था उसका, इस बात से पर्दा उठाया है डायरेक्टर जेम्स गन ने। और जब आप जान लेंगे कि ग्रूट ने मरते हुए क्या कहा था तो एक बार फिर से आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। दरअसल एक फैन ने ट्विटर के जरिए डायरेक्टर जेम्स गन से पूछा था कि ग्रूट ने मरते हुए आखिरी शब्द क्या कहे थे। इस पर जेम्स गन ने जवाब दिया और पर्दा उठा दिया। दरअसल मरते हुए ग्रूट ने कहा था फादर, यानी कि डैड। और ये फादर शब्द, ये डैड शब्द उसने रॉकेट के लिए यूज किए थे। अब जिन्होंने पहले गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी देख रखी है उन्हें याद होगा कि अपने साथियों को बचाते हुए बूढ़ा वाला ग्रूट मर जाता है, लेकिन उसकी एक शाखा से एक छोटा सा ग्रूट पैदा होता है। पर इस छोटे से ग्रूट ने कभी अपने बाप को देखा नहीं था, बचपन से उसने केवल रॉकेट को देखा है, रॉकेट ने ही उसकी हमेशा देखरेख की है। तो वो ग्रूट रॉकेट को अपना पापा मानता है। हालांकि जिस तरीके से रॉकेट हर बात पे ग्रूट को रोका टोका करता है, उससे भी यही समझ में आता है कि ग्रूट के लिए रॉकेट ही उसके फादर हैं। तो इस तरीके से जेम्स गन ने इस बात से पर्दा उठा दिया कि मरते हुए ग्रूट ने रॉकेट को आवाज लगाई थी और रॉकेट को उसने पुकारते हुए कहा था फादर, डैड। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।